बॉलीवुड के पॉपुलर स्टार्स में से एक गिने जाते हैं अर्जुन कपूर। हमेशा ही अपनी पर्सनल लाइफ के चलते लाइमलाइट में बने रहते हैं। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज के दिन अर्जुन कपूर अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं। जी हां दोस्तों, 26 जून साल 1985 में अर्जुन कपूर का जन्म मुंबई में हुआ था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अर्जुन बॉलीवुड के पॉपुलर निर्माता बोनी कपूर और स्वर्गीय मोना शौरी कपूर के बेटे हैं। अर्जुन अपनी मां के बेहद करीब थे, लेकिन अर्जुन कपूर की मां ने जब दुनिया को अलविदा कह दिया तो अर्जुन अंदर से बुरी तरीके से टूटते हुए भी नजर आए। हमेशा ही अपनी मां को याद करते हुए नजर आते हैं और अपने दर्द को कई बार अपने इंटरव्यू में अर्जुन ने बयां किया है। तो आइए आपको बताते हैं अर्जुन कपूर के एक उस इंटरव्यू के बारे में जब अर्जुन ने अपने दर्द को बयां किया। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि जब अर्जुन कपूर की पहली फिल्म साल 2012 में रिलीज होने जा रही थी, तब उस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही अर्जुन की मां ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ये फिल्म थी इश्क ज़ादे। इस फिल्म के रिलीज होने से 2 महीने पहले ही 25 मार्च साल 2012 में मोना शौरी दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। वहीं आज के समय में अर्जुन कपूर कई बार अपने दर्द को भी बयां करते हुए देखे गए हैं। आज मोना शौरी को दुनिया से अलविदा कहे हुए 8 साल हो चुके हैं। वहीं अर्जुन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया अपने दर्द के बारे में। दरअसल आपको बता दें अर्जुन के बारे में, तो अर्जुन ने बताया कि मेरी ज़िंदगी में आए उतार चढ़ाव से सभी वाकिफ हैं। मेरे माँ बाप का अलग होना, मेरी माँ का गुजर जाना, पापा के साथ जो हुआ उसके बाद मेरी ज़िंदगी में जानवी और खुशी का आना, मैंने ऐसे मौक़ों पर एक संवेदनशील और परिपक्व इंसान बनने की कोशिश की है। मैं थोड़ा शांत रहता हूँ तो लोगों को लगता है कि कभी भी भड़क सकता हूँ, जबकि मैं ज़्यादातर शांति और परिपक्वता से ही पेश आता हूँ। नफ़रत फैलाना आसान होता है और प्यार करना बहुत ही मुश्किल। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया जो सिर्फ मुझे पता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या खोया है सिर्फ मुझे पता है। वहीं उसके सामने हिट और फ्लॉप, थोड़ी सी ट्रॉलिंग मायने नहीं रखती। कई बार लोग कीबोर्ड पर बहक जाते हैं। अगर कोई आपके घर के नोटिस बोर्ड पर आपके बारे में कोई कुछ गलत लिख दे तो बुरा लगता है, इसलिए हमारे बारे में भी लिखने से पहले थोड़ा सोच लें। मैं किसी को नीचा दिखाने में यकीन नहीं रखता। साथ ही साथ अर्जुन कपूर आगे कहते हुए नजर आए, नकारात्मक होना अच्छी बात नहीं है। दुनिया में वैसे ही काफ़ी नकारात्मकता है, जो हमें थोड़ा सकारात्मक बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ये उतना ही कठिन नहीं है। और इस तरीके से अर्जुन ने अपने दुख को बयां किया। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि अर्जुन हमेशा ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और अपनी मां को याद करते हुए अपनी इमोशनल पोस्ट भी शेयर करते हुए नज़र आते हैं। इस तरीके से अर्जुन ने अपने दुख को बयां किया और अर्जुन ने भी अपनी लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे। हमारी इस खास रिपोर्ट में दर्शकों इतना ही, लेकिन जाने से पहले हमारी पूरी टीम की तरफ से अर्जुन को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।